खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं वो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। देखो, पाकिस्तान और इंडिया की मेन लड़ाई है कश्मीर, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कश्मीर लिख के दे दो उन्हें कि भाई जान ले लो कश्मीर, हमारे साथ तजारत कर लो। तो द केरला स्टोरी ने जो है ना एक एक बदशकल नंगा सच दिखाया है मुसलमानों का, जिस तरह से द कश्मीर फाइल ने एक नंगा बदशकल सच दिखाया था मुसलमानों का, उसी तरीके से यहाँ पे तो आटे के लिए लोग मर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हमने वो कश्मीर हासिल करना, उसको भी हासिल करके हम जैसा बनाना, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। उनके तो इकोनॉमिक अपने से बहुत ऊपर है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री खोलते हैं, आपके पास 100 बंदे आएंगे जिन्होंने जी हराम खाने के लिए पैसे मांगने हैं आपसे। इंडिया में ऐसे कोई भी नहीं आएगा आपके पास जिन्होंने हराम खाने के लिए पैसे लेने। वो तो कह रहे हैं कि लगाए इंडस्ट्री यहाँ पे, और यहाँ पे कहते हैं रियल सच्चाई, नंगा सच्चाई, बदशकल सच्चाई, पर यही है सच्चाई। जब चाहते हैं शादी निकाह करते हैं और जब चाहते हैं तलाक दे देते हैं। आप इंडिया कहते हैं कि जी हमने हासिल कर लेना, आप तो यहाँ उनके साथ 15-20 दिन जंग कर लेंगे, पीछे से मर जाएंगे आपके भूख वाले सारे। दिखाइए जो घर में बीवी होते हुए भी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखता है। आप एक ऐसा मुसलमान दिखाइए जो कई लड़कियों के साथ ओयो रूम में जाकर के सेक्सुअल रिलेशन नहीं किया है, पर किया है। हम कैसे कहें कि झूठ है, कैसे शादी किया हम। और तुम लोग कह रहे हो जी कश्मीर लेना हमने, या तो उनको अलग आजाद कर दो या उनको दे दो कि भाई ला ला यार तू कश्मीर ला ला। मतलब हल यही है, हल यही है। क्यों मारना तुम लोगों ने उनको भी हमको भी, कश्मीर दे दो उनको, कश्मीरी खुद होना चाहते हैं यार अब तो उनके साथ। फॉर एग्जांपल खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं वो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इनसे बात करने का पर्पस ये है कि कश्मीर एक तरफ हमारे पास है, दूसरा तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, इंडिया के पास कश्मीर जिसे जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। सर, वहाँ पर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ज़्यादा होती जा रही है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर, न्यूज़ आपने भी पढ़ी होगी, अभी पाकिस्तान के अंदर भी वो न्यूज़ बहुत ट्रेंडिंग पर जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशंस, हाई कमिश्नर जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या समझते हैं कि हमारे पास जो कश्मीर, हमने उसमें कितनी डेवलपमेंट की हुई है आज तक? आप कश्मीर को छोड़ें, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में आज तक क्या डेवलपमेंट कर ली है, आपकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या इंडस्ट्री लगाई है, आप मुझे इस बात का जवाब देना। आप चाह रहे हैं कश्मीर में करें, आप देखें कि 120 अरब उन्होंने ना अकेला जम्मू कश्मीर का बजट निकाला इस दफ़ा, आपका पंजाब का बजट नहीं है इतना। यहाँ पे तो आटे के लिए लोग मर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हमने वो कश्मीर हासिल करना, उसको भी हासिल करके हम जैसा बनाना, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। उनके तो इकोनॉमिक अपने से बहुत ऊपर है। यहाँ पर तो हम तो कहते हैं कि कश्मीर हमारा शारक है, यहाँ पर कश्मीर योम है, कश्मीर डे मनाया जाता है, और हम बाहर निकलते हैं योम यकजहती का इजहार करते हैं, तो ये सब आप क्या समझते हैं, सही नहीं हो रहा? यार देखो, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं, ठीक है, उनको वजारतें भी मिली हुई हैं, वो खेल भी रहे हैं, कई से प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनको आप जानते हो, कई से उनके वजीर ऐसे होंगे जिनको आप जानते हो, तो आपको क्या लगता है कि वो वहाँ पर जिंदा नहीं है? है ना जिंदा। यहाँ पे 500 वाली चीज़ 1500 रुपये में मिल रही है जो आपको, ठीक है, अब वो वहाँ पे उसके और हमारे कंपैरिजन में कोई चीज़ तो नहीं है ना। आप यहाँ पाकिस्तान में इंडस्ट्री खोलते हैं, आपके पास 100 बंदे आएंगे जिन्होंने जी हराम खाने के लिए पैसे मांगने हैं आपसे। इंडिया में ऐसे कोई भी नहीं आएगा आपके पास जिन्होंने हराम खाने के लिए पैसे लें। वो तो कह रहे हैं कि लगाए इंडस्ट्री यहाँ पे, और यहाँ पे कहते हैं जी पहले सियासतदानों को खिलाएं, फिर ब्यूरोक्रेट को खिलाएं। अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी है आपने, तो फिर कहीं जाकर आप इंडस्ट्री में स्टैंड कर सकते हैं। नून लीग ने कहा कि यार जब हम जाएंगे डॉलर 500 का हो जाएगा। अब डॉलर 500 होने का मतलब है कि ये महंगाई 100 गुना ज़्यादा कर देंगे, 250 का है फिर 500 का चला जाएगा। तो आप देख लो, 500 वाली चीज़ 1500 की है, 1500 से 3000 रुपये वो चीज़ चली जाएगी। मतलब कि आप इंडिया कहते हैं कि जी हमने हासिल कर लेना, आप तो यहाँ उनके साथ 15-20 दिन जंग कर लेंगे, पीछे से मर जाएंगे आपके भूख वाले सारे। चला गया उसको। इंडिया के पास जो कश्मीर है वहाँ पर 25 रुपये केजी आटा मिल रहा है और हमारे पास 180 का मिल रहा है, क्या वो 25 को छोड़कर 180 के पास आएंगे मौजूदा जो सिनेरियो है पाकिस्तान के देखें? यार देखो, पाकिस्तान और इंडिया की मेन लड़ाई है कश्मीर, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कश्मीर लिख के दे दो उन्हें कि भाई जान ले लो कश्मीर, हमारे साथ तजारत कर लो। अच्छा, वहाँ से हमारे बॉर्डर खोलो, हमारे साथ आओ तजारत करते हैं, तुम यहाँ से चीज़ें भेजो, हम यहाँ से चीज़ें भेजते हैं, कुछ खोलो तो सही ना। अभी बाजवा भी यही बोल रहे हैं हम, यार होने ही चाहिए, दे दो कश्मीर उनको। अभी भी तुम लोगों के पास कहाँ है कश्मीर? सारे ग्लेशियर तो उनके पास है, पानी तो आपका वहाँ से आ रहा है, अभी तक तो ले नहीं सके तुम, 75 साल हो गए हैं। और तुम लोग कह रहे हो जी कश्मीर लेना हमने, या तो उनको अलहदा आज़ाद कर दो या उनको दे दो कि भाई ला 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 यार तू कश्मीर ला ला। मतलब हल यही है, हल यही है। क्यों मारना तुम लोगों ने उनको भी हमको भी, कश्मीर दे दो उनको, कश्मीरी खुद होना चाहते हैं यार अब तो उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल के द केरला स्टोरी ने जो है ना
एक एक बदशकल नंगा सच दिखाया है मुसलमानों का, जिस तरह से द कश्मीर फाइल ने एक नंगा बदशकल सच दिखाया था मुसलमानों का, उसी तरीके से इस मूवी ने भी एक एक बदशकल, एक अगली ट्रुथ दिखाया है मुसलमानों का, और मुसलमानों को दर्द होगा, मुझे पता है कि दर्द होगा। यह है मुसलमान मर्दों का रियल सच्चाई, नंगा सच्चाई, बदशकल सच्चाई, पर यही है सच्चाई। जब चाहते हैं शादी निकाह करते हैं और जब चाहते हैं तलाक दे देते हैं, जब चाहते हैं पॉलीगेमी कर लेते हैं और जब चाहते हैं हलाला कर लेते हैं। कहते हैं कुरान ने कहा, कहते हैं कि मेरी माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और बेटा सेक्स चिट चैट करता है, कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो बहुत पाकीजा है, आपकी माँ की इज्जत है और दूसरे की बेटियों की इज्जत नहीं है। वाह रे वाह, ऊपर छत्ते पर माँ नमाज पढ़ रही है और नीचे बेटा खड़ा होकर के दूसरे गली मोहल्ले के लड़कों के साथ दूसरी दूसरी बेटियों की इज्जत उतार रहा है। इसलिए गलत दिखाया गया है। आप एक दिखाइए कि किसी मुसलमान ने बलात्कार किया है, आप एक दिखाइए कि किसी मुसलमान ने अपनी बीवी को तलाक दिया है, आप एक ऐसा मुसलमान दिखाइए जो घर में बीवी होते हुए भी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखा है, आप एक ऐसा मुसलमान दिखाइए जो कई लड़कियों के साथ ओयो रूम में जाकर के सेक्सुअल रिलेशन नहीं किया है। पर किया है, हम कैसे कहें कि झूठ है? से शादी किया हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने, यतीम से शादी किया हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने, अपने उम्र से 15 साल की बड़ी लड़की से शादी किया, आप क्यों नहीं करते? अरे फलाना लड़की जींस पहन के निकली थी, अरे वो लड़की का और भी दो बॉयफ्रेंड था, अरे वो लड़की देखो देखो देखो, वो लड़की जो है ना फलाने की बेटी है, मुसलमान है, देखो उसका ना दो तीन पहले बॉयफ्रेंड था, उसके साथ उसके सेक्सुअल रिलेशन थे, अभी रिश्ता लग गया, अभी शादी होने वाली है। अरे 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 अरे, ये लड़की तो पता है बहुत ऊंचे पोस्ट पर है, आपको पता है ये कितने मंत्रियों के साथ सोई है, बिना मंत्री के साथ सोई, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है। तो ये होती है कॉन्वर्सेशन, ये होती है गॉसिप मुसलमान लड़कों की, पाड़ा मोहल्ला गली कूचा एरिया। हम तो रोज देख रहे हैं तलाक का केसेस, हम तो रोज देख रहे हैं कि बेटियां जो है अपने बच्चों को गोदी में लेकर के सिसकती हुई रोती हुई आ रही हैं कि फलाना मोहम्मद ने हमको तलाक दे दिया, फलाना फलाना मूसा ने हमको तलाक दे दिया। आप ऐसे नामों की बदनामी कर रहे हैं जिसको कुरान ने इतना आला दर्जा दिया था। आप नाम तो रखते हैं ईसा और मूसा और मोहम्मद, लेकिन आप तलाक देने से पीछे नहीं हटते हैं, आप लड़कियों को बेआबरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, आप नाम रखते हैं अकबर और आप करते हैं बलात्कार। Exactly. आप जैसे 90% मुसलमानों की वजह से हम जैसे 20% मुसलमानों को अपनी नजर और अपना सर झुकाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि हाँ ऐसी मूवी दिखानी चाहिए। तुम हमको कुछ नहीं बोल सकते हो, पर हम बोलेंगे। ये नया हिंदुस्तान है, ये डिजिटल हिंदुस्तान है, हम बोलेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता है। और अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए ये अनुमति, ये अधिकार आपको किसने दिया है कि वो लड़की अगर हिंदू है तो आप उसको बिस्तर पर इस्तेमाल कीजिए? ये अधिकार आपको कुरान ने दिया है? अगर कुरान ने दिया है तो पारा नंबर बताइए, वर्सेस नंबर बताइए। अरे प्रोस्टिट्यूट कहीं की ऐसे बोली है, ऐसे बोलेगी तो देख लेंगे, तेरे घर घुस के तेरा रेप कर देंगे। दिस इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। इसी